हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर एलिमेंट इन प्रेगनेंसी पार्ट एट में वेरिकोज वेन के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था के दौरान जो वेरिकोज वेन है ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये कौन सी बीमारी है और इसके क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिकोज वेन किसे कहते हैं। जब हम ये जान जाएंगे तभी हम आगे का प्रोसेस समझ पाएंगे। तो वेरिकोज वेन का मतलब होता है कि जो पैर की नसें होती हैं, स्पेशली वेरिकोज वेन लोअर एक्सट्रीमिटीज में होने वाला रोग है। इसमें होता यह है कि जो पैर की नसें होती हैं वहां पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है और इसकी वजह से वहां की जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और फिर वो उभरी हुई दिखाई देती हैं। और अगर हम इसको देखें कि ये किस कलर की होती हैं तो स्पष्ट हम देख सकते हैं कि जो पैर होते हैं, पैर में स्पेशली जो लोअर लेग्स होते हैं वहां पे ये नसें स्पष्ट उभरी हुई और नीली कलर की दिखाई देती हैं, जिसको वेरिकोज वेन कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान ये किस वजह से होती है इसके बारे में हमको आज जानना है। तो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे अधिक होने के इसके चांस होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो बहुत कम होता है, लेकिन जब थर्ड ट्राइमेस्टर फीमेल का शुरू होता है तो उस दौरान वेरिकोज वेन होने के जो चांस होते हैं सबसे अधिक होते हैं, सबसे अधिक रिस्क होता है। क्योंकि जो सातवां आठवां महीना होता है उस दौरान जो यूट्रस होता है उसका साइज बहुत बढ़ गया होता है। तो अगर इसके हम कारण की बात करें, इसके हम कॉज देखें कि किस वजह से वेरिकोज वेन होता है, तो फर्स्ट होता है इनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस, मतलब कि जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ने की वजह से वेरिकोज वेन होती है। अब ये किस तरह से होती है, जैसे यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे जो गर्भावस्था है उसका समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। तो जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो दबाव होता है वो वेरिकोज वेन पे पड़ता है और इसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन होता है और इस वजह से जो ब्लड होता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर जो ब्लड है वो प्रॉपर वे में नहीं बह पाएगा तो क्या होगा, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, उसका फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जब ब्लड इकट्ठा होने लगेगा तो फिर वही वेरिकोज वेन के रूप में उभर जाएगा। जैसे अगर हम देखें कि अगर ये वेन है, ये वेन है तो इनमें वाल्व होते हैं, वेन में वाल्व होते हैं, इस तरह से वाल्व होते हैं। तो जब जो ब्लड होता है वो लोअर एक्सट्रीमिटी से मतलब पैर से जब ब्लड क्या होता है कि हार्ट तक जाता है तो उस समय जो वेरिकोज वेन होती है उसमें मान लीजिए ब्लड फ्लो कर रहा है। अब इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता बल्कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लोअर लेग में जो वेन होती है वहां से जब हार्ट की तरफ जाता है तो उस दौरान जो वाल्व होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही ब्लड मतलब कि पुनः ये वापस आने लगे तो उस दौरान अगर जो वेन है वो प्रॉपर अपने अवस्था में है, किसी भी तरह का उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाल्व क्या करते हैं, ये ऐसे इसका रास्ता रोक देते हैं। तो जिसकी वजह से जब ये ब्लड अगर उल्टा फ्लो में बह रहा है तो ये क्या होगा, नहीं आ पाएगा। क्योंकि वाल्व क्या करते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो अपना फंक्शन करते हैं। वाल्व का ये फंक्शन होता है कि जो ब्लड होता है उसको वापस आने से रोकते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वाल्व ओपन है, लेकिन अगर ब्लड उल्टा आ रहा है तो वाल्व क्या होते हैं, अपने आप क्लोज हो जाते हैं और फिर जो ब्लड है वो वापस नहीं आ पाता है। लेकिन जब वेरिकोज वेन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो ये वाल्व होते हैं ये प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसका प्रेशर पड़ रहा है, यूट्रस का। और यूट्रस का प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है कि वाल्व का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है और इसकी वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसकी वजह से जगह जगह क्या होता है, जगह जगह ब्लड इकट्ठा होने लगता है और फिर ये वेरिकोज वेन की समस्या उत्पन्न करता है। तो इस तरह से कॉमन सी ये समस्या होती है और जैसे डिलीवरी हो जाती है वैसे ही जो यूट्रस का प्रेशर है वो भी खत्म हो जाता है और वेरिकोज वेन अपने आप फिर ठीक हो जाती है। अगर ये समस्या प्रेगनेंसी के दौरान की है तब, लेकिन अगर ये समस्या पहले की है तो फिर इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर ये समस्या पहले से है, अगर गर्भावस्था के पहले से वेरिकोज वेन की समस्या है और तो फिर प्रेगनेंसी के समय ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए अगर किसी फीमेल को ये पहले से है तो इसको ट्रीट करवा लेना चाहिए, इसका प्रॉपर मेडिकेशन ले लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन,
मतलब कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ने की वजह से भी क्या होता है कि वेंकोच वेन कॉज करता है। किस तरह से करता है? जब ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऑलरेडी ज्यादा रहता है, तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से जो वेन की स्मूथ मसल्स होती हैं वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है, मतलब वो फैल जाती है। अगर हम देखें कि ये वेन है, ये नॉर्मल वेन है, तो नॉर्मल वेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो वॉल होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से वॉल होते हैं। तो जब ब्लड क्या होता है फ्लो करता है नीचे से, जब ब्लड हार्ट की तरफ जाता है तो वो इस तरह से जाता है, तो जो वॉल होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये प्रॉपर ऊपर की तरफ ब्लड को जाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर यही ब्लड वापस आना चाहे तो क्या होता है, ये वॉल्व बीच में रुकावट कर देते हैं ताकि ब्लड वापस फिर ना आ पाए। लेकिन जब ये जो वेन है वो डायलेट हो जाएंगी, ये चौड़ी हो जाए, अगर ये इस तरह से हो जाए तो जो ये वॉल्व है ये क्या होंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब जब ब्लड क्या है कि हार्ट की तरफ जा रहा है, पैरों से जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जा रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अगर ये किसी भी वजह से मान लीजिए यूट्रस का प्रेशर पड़ रहा है तो उस वजह से अगर ये वापस आ रहा है तो अब यहाँ पे वॉल्व क्या है, कमजोर हो गए, क्योंकि जब जो वेन होती है वो चौड़ी होगी, डायलेट होगी, फैलेगी, तो वॉल्व क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे, वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब यहाँ पे ब्लड वापस आता है तो वॉल्व अपना काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये आपस में चिपक नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड क्या है, ब्लड उल्टा बहने लगता है और फिर ये जगह जगह पे वेन्स में इकट्ठा होने लगता है और फिर यही वेरिकोसाइटिस कॉज करता है और फिर वेरिकोज वेन हो जाता है। तो इस तरह से ये दो ऐसे कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में वेरिकोज वेन होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब अगर हम इसके सिम्टम की बात करें कि कौन से ऐसे लक्षण है जो वेरिकोज वेन को हम मतलब इसके लक्षण की बात करें कि वेरिकोज वेन के दौरान कौन से ऐसे लक्षण है जो फीमेल्स में हमको देखने को मिलेंगे, तो वेरिकोज वेन अगर फीमेल को हुई है तो उस दौरान उसमें कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे फीमेल को इचिंग दिख सकती है, इचिंग हो सकती है, जैसे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है मतलब कि जो पैर है वहां पे फीमेल को महसूस होगा कि उसको खुजली हो रही है, इसके साथ ही उसको पेन भी महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन महसूस होगा, वार्म मतलब कि अगर हम उसको टच करें जहां पे खुजली हो रही है, पैरों में जिस जगह खुजली हो रही है, जहां पे हमको उभार जैसा दिखाई दे रहा है, अगर हम वहां पे टच करेंगे तो हमको गर्माहट जैसा महसूस होगा, स्किन रेड, रेड स्किन दिखाई देगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो वेरिकोज वेन में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं उनमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वो नसें क्या उभरी हुई दिखाई देती हैं और ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। ब्लू कलर की इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जो वेन्स होता है उनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, तो डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, और इसकी वजह से ही जो नसें उभरी हुई दिखाई देती हैं वो ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। लेकिन जो सराउंडिंग एरिया होगा वो क्या होगा, वो हमको रेड दिखाई देगा। क्यों रेड दिखाई देगा, क्योंकि आसपास क्या है, बहुत ही टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, तो इस वजह से वहां का जो स्किन होगा वो रेड दिखाई देगा, साथ ही उसमें स्वेलिंग भी है, तो स्वेलिंग होने की वजह से भी वो एरिया हमको कैसा दिखाई देगा, रेडनेस जैसा दिखाई देगा। साथ ही उसमें एक चीज होगा कि वो हार्ड होगा, एरिया कैसा होगा, हार्ड होगा। अगर उन नसों को हम फील करें, उनको स्पर्श करें, छुए टच करें, तो हम देखेंगे कि वो गर्म होंगी और साथ ही वो उभरी हुई हार्ड महसूस होंगी हमको। तो ये सब किसके लक्षण हैं, ये सब वेरिकोज वेन के लक्षण हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि वेरिकोज वेन जब हो जाए किसी फीमेल को तो उस दौरान उसको क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर फीमेल को ये ध्यान देना चाहिए कि जब उसकी गर्भावस्था हो तो उस दौरान उसको ज्यादा लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठना चाहिए, फिर ज्यादा लंबे समय तक चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वेरिकोज वेन जैसी समस्या हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर कोई फीमेल चलती भी है तो उसको बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए। तो फीमेल चलती भी है तो वो एक बैंडेज होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक क्रेप बैंडेज, इसका यूज कर सकती है। इलास्टिक क्रेप बैंडेज का यूज करके अपने पैरों पे बांध के फीमेल चल सकती है, या फिर अगर कहीं फीमेल बैठती भी है तो कभी भी वो क्रॉस लेकर के ना बैठे। अगर वो बैठती है तो फिर अपने पैरों के नीचे कोई ऐसा स्टूल वगैरह रख के फिर उसके ऊपर पैर रख के आराम से बैठ सकती है, या फिर अगर फीमेल को ज्यादा समस्या हो रही है तो इसके लिए वो क्या करती है, मसाज करवा सकती है। मसाज में वो हल्का वार्म ऑयल का यूज कर सकती है या फिर गर्म पानी से पैरों को धुलने का काम कर सकती है। इसकी वजह से जो ब्लड
सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अगर मसाज वगैरह करती है तो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और फीमेल को वेरिकोज वेन में बहुत आराम मिलेगा। साथ ही जो फीमेल होती है उसको कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, चाहे अपर गार्मेंट हो चाहे इनर गार्मेंट हो, कोई भी गार्मेंट उसको कसे हुए टाइट नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है और अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो समस्याएं होंगी। स्पेशली अगर फीमेल क्या करती है कि जो लेगिंग्स वगैरह या फिर जीन्स है वो टाइट पहनती है, तो इसकी वजह से वेरिकोज वेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो फीमेल होती है उसको अपने पैरों में जूतों का ही यूज करना चाहिए। अगर वो स्लीपर्स का यूज करती है तो वो स्लीपर्स फ्लैट होने चाहिए, हील वाले नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से उसको वेरिकोज वेन होने की समस्या ना हो। अगर है भी तो इसमें उसको क्या हो कि बढ़ने की संभावनाएं कम रहे। जब फीमेल बिस्तर पे सोने के लिए जाती है तो उस दौरान वो अपने पैरों को अपने सिर की अपेक्षा थोड़ा सा ऊंचा रख सकती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा होगा और जो वेरिकोज वेन फीमेल को हुआ है उससे उसको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्लड अच्छा होगा। तो इस तरह से वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कर सकती है। इसके साथ ही वो एक्सरसाइज कर सकती है, अपने जो टोज हैं, लेग्स हैं, उनको प्रॉपर वो मूव करती है, जिसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो इस तरह से कोई भी फीमेल है थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट कर लेती है तो वेरिकोज वेन उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करती है तो इसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे उसको चलने फिरने में बहुत समस्या हो सकती है, पैरों में भारीपन हो सकता है, और जो ये वेरिकोज वेन हुआ है ये एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी फीमेल को वेरिकोज वेन है तो उसमें कौन से लक्षण दिखेंगे और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।